देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 7 है आपके। इसमें रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ ऑफ एज ए एंड बी। तो याद करो नाइफ वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। तो दो नाइफ हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ए और बी पे दो नाइफ है और एक रॉड है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये मीटर रॉड भी आ जाती है। मीटर रॉड का मतलब ये 1 मीटर की रॉड है, जैसे आपको आ जाया था क्वेश्चन। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो ना ये ट्रांसलेट कर रही है ना ये रोटेट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम में है। द नाइव्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ईच अदर, तो इन दोनों से ये डिस्टेंस क्या है, डी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, तो ए से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, तो एक काम करो नॉर्मल रिएक्शन बना लो एन ए, नॉर्मल रिएक्शन बना लो एन बी, और इसका वेट नीचे की तरफ है और वेट क्वेश्चन में कितना गिवन है, डब्ल्यू। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, तो बोलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक इक्वेशन नंबर 1। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, टॉर्क। तो टॉर्क की क्या प्रॉब्लम है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो एन ए, एन ए का टॉर्क क्या होगा, एन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एन बी इंटू डी माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, चेक करो एन ए क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, चेक करो इतना ही आ रहा है, यही आएगा। मुझे नहीं, इसका आंसर यही आएगा, सी आ रहा है ना कि ए आ रहा है, हो सकता है गलत हो, मुझे पता नहीं, या ये मेथड यही है, चेक कर लो आपका क्या आ रहा है आंसर, इसमें यही आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है करेक्शन कर लो। अगर असाइनमेंट में कोई नंबरिंग कुछ गड़बड़ हुई है, मेरी 8 और आपकी 7 है, तो कहीं कोई गड़बड़ भी हो सकती है, पर आप आंसर मार्क करें इसकी, तो इसका आंसर सी आ रहा होगा, चेक करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सी आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं। तो और ये क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर 100% 200% आएगा ही आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर पी वाई क्यू की बुक खोल के देख लो, लाइन लगी पड़ी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, आना ही आना है पक्का, ठीक। अब ये बेसिक लेवल है, थोड़ा सा और ऊपर उठेगा थोड़ा सा थोड़े दिनों में, तो मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, ये प्रॉब्लम करें, सिक्स्थ का आंसर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का मतलब मेरे असाइनमेंट का 6 है, आपका हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, तो क्या आंसर होगा। लैडर इज लीन्ड अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड इज अलाउड टू स्लिप ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, विच फिगर रिप्रेजेंट ट्रेस ऑफ इट सेंटर ऑफ मास। मतलब आपको क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे, जब ये गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास कैसे गिरेगा, ये क्वेश्चन है। ए ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि ऐसे गिरेगा नीचे, बी होना चाहिए, डी होना चाहिए, सेम स्पॉट पे। देखो मैंने ये नहीं कहा स्पॉट चेंज हुआ, मैंने ये नहीं कहा रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से हटके यहां आ गया, ये क्वेश्चन नहीं है। जब रॉड गिरी उसने रास्ता क्या फॉलो किया, रहेगा तो रॉड के सेंटर पे। ये देखो अगर ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा यहां पे है, तो जब ये गिर रही होगी तो रास्ता सेंटर ऑफ मास कैसे गिर रहा होगा, ऊपर तो गिरने से रहा, अंदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ऐसे गिरेगा, नो डाउट सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे रहेगा, पर पाथ ये फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि रॉड तो नीचे भी गिर रही है और इधर भी आ रही है, और जब भी कोई बॉडी दो एक्सिस में मूव करती है, नीचे भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो क्या ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करेगा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक सर, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो इसके अंदर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, जब ये रॉड गिरेगी, जब ये रॉड गिरेगी तो देखो थोड़ी देर में ये रॉड यहां पे आ जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास जो है, गलत हो गया, थोड़ी देर में ये रॉड कुछ ऐसी आ जाएगी, नीचे को आ जाएगी, नीचे भी आएगी और साइड पे भी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर में ये रॉड बिल्कुल फ्लैट नीचे ऐसे गिर जाएगी, सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है सर। हाँ तो सेंटर ऑफ मास का पाथ फॉलो करना है कि कैसे गिरेगा, ठीक है यहां तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को करना असाइनमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? आपके हिसाब से आपका आंसर डी आ रहा है? अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। लैडर ऑफ लेंथ एल, यदि लैडर एल लेंथ है, सेंटर ऑफ मास है, थीटा एंगल है, टॉर्क इज अप्लाइड अबाउट द लैडर सेंटर ऑफ मास बाय नॉर्मल फोर्स एफ एन एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑफ द लैडर। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रही है, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल फोर्स लग रही है वो कितना टॉर्क लगा रही है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने डायग्राम ऐसा बना लिया, ये मैंने कहा कि नॉर्मल फोर्स, चलो इस नॉर्मल फोर्स को एन की जगह चाहे एफ एन कर दो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल फोर्स है एफ एन। तो नॉर्मल फोर्स यहां लग रही है, जो रॉड की लेंथ है वो एल है, तो वेट कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो आधी लेंथ क्या होगी, एल बाई टू। तो अगर ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो अगर ये एल बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, लगा लो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, क्लियर है यहां तक। अब टॉर्क उसने सिर्फ इसका पूछा बस, क्या ये टॉर्क कितना लगाएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर ये एक्सिस है, ये फोर्स है, और उसने कहा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या लगेगा, तो आपको डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास तक का लेना है, अदरवाइज हमारा यहाँ टॉर्क जीरो हो जाता अगर मैं इसको एक्सिस ले लेता। तो उसने स्पेशली मेंशन किया कि मेरे को टॉर्क निकालना है इस फोर्स का अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंसेस कहां से लिए जाएंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना है, कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या लॉजिक है इसमें? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सही है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दें, एक लैंप वाला क्वेश्चन है, लैंप वाला, इसका आंसर मतलब ठीक है, ए ऑप्शन है, ऐसा क्यों? स्टडी मतलब, स्टडी मतलब मजबूत, ठीक है, ताकि गिरेगा नहीं, एकदम टिका रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में यही बताना है कि आपके सामने ये लैंप्स हैं, आपको केबल बांधनी है, आप केबल कहाँ बांधें ताकि एकदम मजबूती से टिका रहे। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ, टूटेगा कहाँ से? देखो, अगर मान लो ये मजबूत नहीं है, टूटेगा भी तो कहाँ से टूटने का डर है इसे? पोल से। देखो, अगर ये धागा कमज़ोर हो गया तो ये डंडा तो गिर ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली ये जो ये पॉइंट है गिरने का, यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये वेट, इसका वेट लैंप का, ये जो पूरी रॉड का वेट कह लो, चलो रॉड का वेट सेंटर ऑफ मास पे, ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने की कोशिश करेगा कि गिर जाए। केबल नहीं, केबल तो चलो जो टूटी टूटी, पर अगर ये लैंप भी टूट गया, मैं देखो केबल को छोड़ दो एक मिनट, केबल नहीं बांधी, हम केबल क्यों बांध रहे हैं, ताकि इसका खुद का भार इसके नीचे ना गिर दे,
और चलो अगर केबल नहीं भी बांधी अभी तो गिर सकता है, टूट सकता है ये। हाँ तो ये एक्सेस के अबाउट रोटेशन कर देगा ये। तो वेट कितना टॉर्क जनरेट करेगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सेस, इतना टॉर्क जनरेट करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब मैं धागा वहां बांधूंगा जिसमें टेंशन आ जाएगी, ताकि उसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैक्सिमम हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए केबल को दूर से दूर बांधूंगा, क्यों, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाए, ताकि उल्टा टॉर्क मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि धागा अगर पास होगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम होगा तो टॉर्क मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और मैं चाहता हूं कि उल्टा टॉर्क मैक्सिमम हो ताकि वेट इसको गिर ना पाए। तो ये मेरा केबल एंड में बांधूंगा ताकि गिरे नहीं, जैसे डोर के वहां हैंडल कोने में बांधते हैं, हैंडल कोने में क्यों रखते हैं, ताकि मैक्सिमम टॉर्क हो, डिस्टेंस एक्सिस से दूर रखो, टॉर्क मैक्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। वेट का टॉर्क बैलेंस करने के लिए केबल को बांधा ताकि उसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस हो जाए, और इसका टॉर्क कमजोर ना पड़ जाए, इसका टॉर्क ज्यादा ना हो जाए, इसलिए दूर से दूर बांधा ताकि टॉर्क मैक्स हो जाए। रस्सी लैडर के इधर और इधर की फोर्सेस का टॉर्क इक्वेट करना होता है ना, लैडर वाली सेम प्रॉब्लम होगी। तो ठीक, किसमें, नहीं लैम्प और रॉड का मास एमजी है, वो तो इकट्ठा ही ले लिया मैंने, सेंटर होगा जहां भी इनका सेंटर ऑफ मास होगा। नहीं, यहाँ क्यों नहीं लेते, पैटर्न ए ज्यादा स्टडी नहीं हुआ, कौन सा पैटर्न ए ज्यादा स्टडी नहीं हुआ फिर तो। ए वाला, हाँ जी मैम, हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, टिक मार्क ए किया सर, हुआ है। आपने ऑप्शन बी मार्क करी हुई थी मतलब। नहीं वो की को मत देखो, मैंने बोला की ना एक्चुअली क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई, तो आप इसको मत देखो, बस आप मेरे सॉल्यूशंस को देख लो प्लीज, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सॉल्यूशंस है, इसकी की को क्रॉस कर दो, मैं साथ साथ ठीक करवा रहा हूँ। तो ए ठीक है स्टडी है, सर। देखो ऐसा है, लैम्प का कोई मास होगा, रॉड का कोई मास होगा, लैम्प और रॉड का मास, चलो सेंटर ऑफ मास पे नहीं होगा, थोड़ा लेफ्ट पे होगा, कहीं भी होगा, कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास एम जी है, मतलब कि इसका काउंटर क्लॉकवाइज करने के लिए केबल को लगाया गया ऐसे। ठीक, तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना प्लीज। एक्सल का ये कॉन्सेप्ट है, ये देख लो इधर, ये गाड़ी है, गाड़ी के दो टायर आगे हैं, गाड़ी के दो टायर पीछे हैं, टायर को बांधने के लिए जो रॉड है वो एक्सल है, इधर एक एक्सल है, इधर एक एक्सल है, दोनों एक्सल्स के बीच में डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है ऐसे है। तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, और इनके बीच में गाड़ी के दो टायर में डिस्टेंस 1.8 मीटर है ऐसे, अब तुम अपना डायग्राम खुद बनाओ। तो ऐसा कुछ केस है,
ठीक है, तो इसमें कार वेज 1800 kg, एक कार का वेट 1800 kg है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स इज 1.8 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी में आगे इंजन है तो ज़्यादा भार आगे की तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं है, 1.05 मीटर पे है फ्रंट एक्सल के साथ, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील, ये क्वेश्चन है। तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये एक रॉड है, रॉड 1.8 मीटर लॉन्ग है, आगे का एक्सेल से फ्रंट व्हील NF फोर्स लगा रहा है, पीछे से NB फोर्स लग रही है, और वेट नीचे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास फ्रंट व्हील से NF का मतलब फ्रंट व्हील से कितनी दूरी पे 1.05 है, और बैक व्हील से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे 0.75 पे है, कोई डाउट इसमें? डायग्राम क्लियर है? और क्योंकि कार इधर देखो ऐसे तो होगी नहीं, कार कार तो ऐसी रहेगी ना, तो ऊपर उड़ेगी ना नीचे जाएगी ना ऐसे जाएगी, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशन दोनों मेंटेन्ड है, तो यानी कि NF प्लस NB इज इक्वल टू W, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन NF इंटू 1.05 इज इक्वल टू NB इंटू 0.75, NF NB निकालो, यहाँ से सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके NF आएगा और NB आएगा, और यहाँ पर 1800 kg मास है और ये दोनों फोर्सेस हैं, तो वेट आएगा MG, वेट आएगा यहाँ पर MG, तो यहाँ से सॉल्व करके चेक करो NF की वैल्यू कितनी आ गई और NB की वैल्यू कितनी आ रही है, NF आ रहा होगा 7350 और NB आ रहा होगा 10290, इतना ही आ रहा है, पर मेरे ख्याल से आंसर मेंशन नहीं है ऐसा कुछ, है ना, ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन में है, ABCD में है, क्वेश्चन में पूछा क्या आप ये पढ़ो, क्या उसने नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, क्या पूछा है, किस नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स ही होती है, किस पे, ऑन व्हील, कितने व्हील होते हैं कार के आगे, दो, आगे आगे दो, पीछे दो, तो फिर फ्रंट और बैक व्हील पे डिवाइड बाय दो भी करना पड़ेगा पर व्हील का नॉर्मल रिएक्शन आंसर, क्योंकि आगे का टोटल नॉर्मल रिएक्शन आया ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो व्हील्स के ऊपर, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, ऐसे पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अब ऑप्शन है सा ABCD, अब है मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्लियर है यहां तक, ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेंगे गाड़ी के आगे का पीछे का और फिर पर व्हील की वजह से डिवाइड बाय टू हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। दोनों तो NF और NB आ गया ना, दोनों का मिला के आया,
तो ऑप्शन में एक ही पूछा होगा ना, फ्रंट या बैक में, एक ऑप्शन है ही नहीं तो क्या ही मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन थर्ड मीन्स आपके असाइनमेंट का, देख लो कौन सा है। क्या क्वेश्चन है? टी शेप ये फिगर आपको गिवन है, बस मुझे ये बताओ करना क्या है। टी शेप फिगर गिवन है आपको, इस पे एफ फोर्स लगानी है, और कैसे लगानी है? पैरेलल टू ए बी लगानी है, यानी कि राइट की तरफ लगानी है, जैसे ये लगा रहा है, सच दैट ऑब्जेक्ट हैज ओनली द ट्रांसलेशन मोशन विदाउट रोटेशन। तो पी पॉइंट कहाँ होगा ये बताओ, ये कैसे हो सकता है? सही है? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? रोटेट ना करे, सीधा पर ट्रांसलेट ही करे, हो सकता है? आप सिर्फ एक सिंपल काम करें, आपके पहली बात तो ऐसा लगता है डायग्राम में कि ये ना वर्टिकल डायग्राम है, ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसा नहीं है। उसने बोला कि ये जो डायग्राम है टी शेप ऑब्जेक्ट है लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, तो प्लीज़ ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल टी है, ये वर्टिकल टी खड़ी नहीं हुई। चलो ये डायग्राम है, आप बस मुझे ये बताओ कि अगर मैं फोर्स कोने पे लगा दूं, यहाँ पे ये रिमोट घूम गया, घूम गया, अगर मैं इस कोने पे लगाऊं रिमोट घूम गया, पर अगर मैं एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढ लूं और वहाँ पे लगाऊं, तो देखो ये घूमेगा नहीं, ये ट्रांसलेशन मोशन में होगा। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपने पेंसिल बॉक्स है किसी भी लगा के देख लो, सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं रोटेट करेगा? टॉर्क ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, टॉर्क ही नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा तो घूमेगा नहीं। तो फिर आपको क्या ढूंढना है इस बॉडी का? सेंटर ऑफ मास। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास कहां से ढूंढना है? फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी को 0.0 मान के अब क्वेश्चन सॉल्व करो, सी को मानो 0.0, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। बिल्कुल ठीक, छोटी वाली रॉड का अगर मास एम है तो बड़ी वाली का 2m रहेगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मास लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेंथ डबल है तो मास भी डबल है। सही है? क्या करेंगे इसमें? देखो इसमें ये करेंगे, आपके पास क्योंकि एक लेंथ एल है, एक लेंथ टू एल है, तो आप इसको ना दो बॉडीज़ की तरह ट्रीट कर लो, दो बॉडीज़ की तरह ट्रीट करो, ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ऐसे ट्रीट करो इसे। और ये मान लो ओरिजिन है 0.0, इसमें ये जो लेंथ है ये आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है? 2L है। और ये जो लेंथ है ये क्वेश्चन में कितने गिवन है? L है, ऐसे। तो आप एक काम करो, इसका मास m है तो इसका मास 2m है, ये जो रॉड देख रहे हो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा और यहां पे मास कितना पड़ा होगा? m। और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा,
और मास यहां पर कितना पड़ा होगा 2m। मुझे इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा, लेट अस सपोज वो पॉइंट पी है जहां पर मुझे फोर्स निकालनी है, तो बेसिकली मेरे को ये पॉइंट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, राइट। तो आप बस मुझे ये बताएं कि अगर ये 0.0 है तो 2m का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, L, L क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है तो आधा कितना है L, और ऐसे इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, 2L, 2L, ये रहा 2L, टोटल हाइट देखो 2L, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 2L, मतलब ऑलमोस्ट 2L है, बहुत पतली थिन रॉड्स हैं ये, तो 2L। तो y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1, m1 का मतलब m और डिस्टेंस इसका कितना है 2L, m2 का मतलब 2m, डिस्टेंस कितना है इसका L, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। तो सॉल्व कर लो यहाँ से क्या आएगा, 2ml प्लस 2ml 4ml डिवाइडेड बाय 3m, तो 4ml डिवाइडेड बाय 3m 4l बाय 3 इज आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो दो बॉडीज में ट्रीट कर लो, पहले फर्स्ट बॉडी का सेंटर निकाल लो, सेकंड का सेंटर निकाल लो, फिर दोनों का सेंटर ऑफ सेंटर का सेंटर निकाल लो, तो सेंटर ऑफ मास आ गया, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो, इसके तो कई आंसर हैं। इस क्वेश्चन की फिगर हमने लास्ट टाइम ना ड्रॉ की थी अगर आपको याद हो, तो इसकी फिगर ऐसी थी, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2 है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N1 है, यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ स्लिप होने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन आगे है, और ये वाला पार्ट नीचे स्लिप होने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर है, ऐसे ही है। इसका वेट mg यहाँ पर है, टोटल लेंथ L है, ये थीटा एंगल गिवन है, तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये L है, ये थीट है, तो ये L cos थीट है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये L है, ये थीट है, तो L sin थीट है। तो डायग्राम क्लियर है, मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर म्यू वन की वैल्यू क्या है,
तो म्यू वन कितना है? देखो क्वेश्चन में म्यू वन गिवन नहीं है, बट अगर मैं 2 मिनट के लिए सारी ऑप्शन देखूं, वो सारे ऑप्शन में म्यू वन को जीरो दे रहा है, अब मेरे को ये मानना पड़ेगा तो म्यू वन तो जीरो पक्का ही है, तो जाके एक आध ऑप्शन और निकलेगा। ठीक है, तो मतलब वैसे गिवन नहीं है, अब ढूंढने की कोशिश मत करना कि कैसे पता लगा फ्रिक्शन है, मैं तो फ्रिक्शन है, पर वो चारों ऑप्शन म्यू वन जीरो दे रहा है, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं म्यू वन को जीरो पुट करके एक आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। राइट, क्लियर है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, और ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो स्टार्ट करें, लेफ्ट की फोर्स एन वन है, राइट की फोर्स म्यू टू एन टू है। ये क्लियर है पहली इक्वेशन? लेफ्ट की फोर्स एन वन है, राइट में कौन सा वेक्टर है? म्यू टू एन टू है। ऊपर की फोर्सेज, नीचे की फोर्सेज, ऊपर की फोर्सेज कौन कौन सी हैं? एन टू, और नीचे की फोर्स क्या है? एम जी। रादर ऊपर की फोर्स एन टू भी है और म्यू वन एन वन भी है। तो इक्वेशन एक और बना लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ऊपर की फोर्स है एन टू प्लस म्यू वन एन वन इज इक्वल टू एम जी। एक इक्वेशन ये लिखो, एक इक्वेशन ये लिखो, दो इक्वेशन हो गई। ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या सिखाया था? इसको पॉइंट ऑफ एक्सिस मान लो, तो इसका टॉर्क तो क्या हो गया? जीरो। इसका टॉर्क भी क्या हो गया? जीरो। ऐसे ही था। फिर एक लाइन खींच लो, मैंने बताया था, एक लाइन खींच लो, यहां से यहां तक एक लाइन खींच लो। इस लाइन के इस तरफ और उस तरफ की फोर्सेस को देखो कि टॉर्क कैसे इक्वेट करने हैं। तो इस लाइन के ऊपर की तरफ फोर्सेस देखता हूँ, एन टू है, एक एन वन है और एफ वन है। तो एन वन इंटू क्या बनेगी इक्वेशन? एन वन इंटू एल साइन थीटा। इस लाइन के इधर कौन सी फोर्स है? एन वन। इक्वेशन क्या बनेगी? एन वन इंटू एल साइन थीटा। और एक और इक्वेशन है म्यू वन एन वन। अब म्यू वन एन वन इंटू क्या आएगा? एल कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? एल कॉस थीटा। और इस पार की फोर्सेस कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ एम जी। एम जी इंटू, अब अगर एम जी को नीचे ले जाएं तो ये डिस्टेंस अगर टोटल एल कॉस थीटा है तो ये बनेगा एल बाई टू कॉस थीटा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लियर है? हम हमेशा साइड पे लेते हैं ना, क्योंकि वो जीरो हो जाती है ना फोर्सेस सारी, वहां से ले लो कोई भी दो पॉइंट, लैडर के कोई भी दो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है ही नहीं इसका, क्योंकि जब ये स्लिप करेगी, जब ये स्लिप कर रही होगी ऐसे, तो इसका एक्सिस ऐसे होगा, टेंजेंट होगा, नहीं लेना। अगर अर्थ ना होती और ये गिर जाती तो ऐसे गिरती ना, तो इसके साथ ऐसे टेंजेंट नहीं बन गया, ये ऐसे कोना बनेगा। तो देखो इसमें अभी काम करो, अब हिट एंड ट्रायल है सारा। कैसे हिट एंड ट्रायल है? म्यू वन को जीरो पुट करके देखो किसी क्वेश्चन में, इसमें म्यू वन जीरो पुट करके देखना कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, शायद बी ऑप्शन या डी, बी और डी तो सेम ही है, चेक करना डी ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें म्यू वन जीरो पुट करो, म्यू वन को जीरो पुट करो, चेक करो डी ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बी या डी कोई भी दोनों सेम है। म्यू वन को जीरो पुट करो तो मेरे ख्याल से साइन बाय कॉस टेन बनेगा, तो डी ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन सेम है, बन रहा है, बनेगा, कर दो, सही करो। इसमें इसमें म्यू वन को जीरो पुट कर, वो वैसे देखो मेरी इच्छा नहीं है जीरो पुट करने की, हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन देख के जीरो पुट करना है मुझे, जीरो पुट करना है तो ये आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो एक आंसर क्लियर है, इसमें म्यू वन को जीरो पुट करो, ये टॉर्क की क्वेश्चन है। सर अगर ऑप्शंस में गिवन ना हो तो हम कैसे हम पता लगाएंगे कि हमने क्या वैल्यू फिर रखनी मैं है? कर नहीं पाऊंगा, म्यू वन को मैं जीरो पुट करके कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ऑप्शन कुछ और गिवन होगी, कुछ करी, फिर ऑप्शन बताता हूँ क्या गिवन होगी। 2 मिनट रुको, बताता हूँ, 2 मिनट और रुको। ये पॉइंट तो क्लियर है दिव्यांकर? यस सर। दिव्यांकर नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लियर है? अच्छा ठीक है, दोबारा से, फिर से। ये पॉइंट लिया एक्सिस,
इसका इसका टॉर्क जीरो एक्सिस पे काम कर रहे हैं। मैंने इस लैडर में से एक लाइन को खींच लिया ऐसे, इस लैडर के इस तरफ कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एक तो एन वन है, बोलो एन वन का टॉर्क क्या है? एन वन इंटू एल साइन थीटा, सही। एक और है एफ वन, एफ वन का मतलब है म्यू वन एन वन, नहीं रुको रुको, म्यू वन एन वन दिस इंटू एल कॉस थीटा, कोई बात नहीं एंड में पुट करेंगे, सही। अब नीचे की फोर्सेस कौन सी है? एम जी, ऐसे। अगर ये एल कॉस थीटा है तो ये एल बाई टू कॉस थीटा, तो ये क्या आएगा? एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। हाँ, तो ऊपर और नीचे इक्वेट कर दिया टॉर्क। अब मैं ये कह रहा हूं कि एन वन को जीरो पुट करके, म्यू वन को जीरो पुट करके देखो, तो ये टर्म उड़ गई। अब चेक करो, ये आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है, सही है यहां तक। तो साइन बाई कॉस टैन बन जाएगा, टैन वाला आंसर तो आना ही आना है। एक दूसरा, अब मेरे को ये पता है कि एन वन की वैल्यू कितनी है, म्यू टू एन टू, ये ट्रांसलेशन इक्वेशन बना रखी है हमने, और एक इक्वेशन हमने ये बना रखी थी एन टू प्लस म्यू वन एन वन इज इक्वल टू एम जी। ये देखो, ये देखो, एन टू प्लस म्यू वन एन वन इक्वल टू एम जी। वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। एन वन की वैल्यू क्या निकाल रखी है? म्यू टू एन टू। तो अगर मैं एन वन की जगह पुट करूं म्यू टू एन टू, म्यू टू एन टू और एन टू कॉमन निकाल के सॉल्व करूं, तो एक और ऑप्शन आपके उसमें आ रहा है। तो तुम पूछ रहे हो अगर म्यू वन जीरो ना लेना हो तो फिर ये ऑप्शन तो पक्का ही ट्रू है, क्योंकि मैंने अपना आंसर म्यू वन की फॉर्म में निकाल रखा है। ठीक है, फिर म्यू वन की फॉर्म में तो आंसर आएगा ही आएगा, अगर आंसर जीरो नहीं गिवन तो ऐसा आंसर तो फिर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल वाली ऊपर की फोर्सेज इक्वल टू नीचे की फोर्स वाली इक्वेशन है, और एन वन किसके इक्वल है? म्यू टू एन टू, ये भी इक्वेशन लेफ्ट और राइट की फोर्स बराबर की हुई है, और इसमें पुट करके एन टू निकाल लिया। देखो सारा हिट एंड ट्रायल है, बेसिकली तो दो इक्वेशंस है, ट्रांसलेशन की अलग है, रोटेशनल की अलग है, बाकी ऑप्शन देख देख के आपको मैच करना है। बात खत्म, मेथड्स को समझ में आ रहा है यहाँ तक? हो गए इसके क्वेश्चन खत्म? लास्ट कोई और पेंडिंग है?